बाढ़ पीड़ितों ने मीडिया के माध्यम से प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। सगड़ी तहसील के उत्तरी छोर पर बहने वाली घाघरा नदी का जलस्तर तो धीरे धीरे घट तो रहा है, लेकिन दिवारा वासियों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में इस्माइलपुर खुला के ढाले पर बाढ़ पीड़ित वासियों ने एकत्र होकर अपनी समस्याओं को मीडिया के माध्यम से शासक प्रशासन तक पहुँचाने की गुहार लगाई। दिवारा वासियों का कहना है कि इतनी तगड़ी बाढ़ आने के बावजूद भी अभी भी यह क्षेत्र बाढ़ पीड़ित एरिया घोषित नहीं हुआ और हम लोग इस बाढ़ में गृहस्थी का सारा सामान डूबकर खत्म हो चुका है। हम लोग मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इस क्षेत्र को बाढ़ पीड़ित क्षेत्र घोषित किया जाए और हमारे गन्ना का पिछला भुगतान जो बाकी है उसे सरकार अविलम्ब भुगतान करे। इस समय हम मौजूद हैं दिवारा इस्माइलपुर ढाला पर, जहां बाढ़ आई हुई है, जहां की जनता त्राहि त्राहि कर रही है। बाढ़ से फसल बर्बाद हो गई है, गांव में पानी हल गए हैं, मिट्टी का तेल जितना मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, दवाओं का अभाव है। यहां की जनता हमारे सामने मौजूद है, आइए हम डायरेक्ट बात करते हैं, जानना चाहते हैं इनकी समस्याएं क्या है। क्या नाम पड़ेगा आपका? रामाश्रय। रामाश्रय जी बताएं आपकी समस्या क्या है। हमारी ये समस्या ना पूरा जनता का समस्या है। बताएं। एक तो गंदा बह गया और फसल सब चली गई, जब अगली फसल आवे तब तक भाई सरकार व्यवस्था करे यह जनता का। आज चौवन का भाई न भूसा है न कुछ है। चाची क्या नाम पड़ेगा आपका? मालती। मालती क्या दिक्कत है आपकी? हमारे घर सब कुछ गिर गया, सात बच्चन लेके भूखन मरत है, कोई जाके देख लो कि एकदम टापू में। क्या चाहती हैं आप, क्या चाहती हैं सरकार से, क्या मांग रही हैं? सरकार से ये मांगत है कि हमारे बच्चन के हमके बैठे के ठेकान दे। अब घर में कुछ ना है, खेत बाड़ी जो है सब कुछ, जो धन किसान रहा सब कुछ बह गया। क्या नाम पड़ेगा आपका? सुभाष यादव। सुभाष जी क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा सब कुछ बह गया, मड़ई झोपड़ी जो है गिर गई है हमारी, पानी में रहते थे, अब दूसरे के यहाँ ठिकाना लेके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या चाहते हैं सरकार से आप? हमें अपना मकान बनना चाहिए, हमारा अपना मकान होना चाहिए। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? संत कुमार यादव। जी यादव जी बताएं क्या कहेंगे बाढ़ के बारे में आप? बाढ़ के बारे में सर्वप्रथम बाढ़ घोषित की जाए ताकि जनता का राहत हो, सरकार से सहायता हो और अगली फसल तक हम लोग बहुत परेशान रहेंगे। कोई नई फसल न हो, गन्ने का भुगतान तो जरूर होना चाहिए ताकि हम लोगों का जो है बच्चों जानवरों का पालन पोषण हो सके। यहाँ की जनता ने सरकार से किया बाढ़ पीड़ित घोषित करने की मांग। न्यूज 9 भारत के लिए रोशन लाल इस्माइल।